देखो सेकंड हाउस का सीएसएल जब 10th में प्लेस्ड होता है तो सर वेल्थ थ्रू कैरियर एंड प्रोफेशन, जो वेल्थ आएगी कहाँ से आएगी, प्रोफेशन से आएगी। 10th हाउस व्यक्ति के कैरियर और प्रोफेशन का घर होता है। अगर सेकंड सीएसएल यहाँ हो तो व्यक्ति अपने कैरियर के माध्यम से अच्छा धन कमाने का योग बनाता है। इस प्लेसमेंट के साथ व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रोफेशनल लाइफ के जरिए धन और समृद्धि पाता है। 10th हाउस व्यक्ति के कैरियर और प्रोफेशन का घर होता है। अगर सेकंड सीएसएल यहाँ हो तो व्यक्ति अपने कैरियर के माध्यम से अच्छा धन कमाने का योग बनाता है। इस प्लेसमेंट के साथ व्यक्ति अपनी मेहनत और प्रोफेशनल लाइफ के जरिए धन और समृद्धि पाता है। हाई स्टेटस एंड पब्लिक इमेज, 10th हाउस व्यक्ति के सोशल स्टेटस और पब्लिक इमेज का भी घर होता है। इस प्लेसमेंट के साथ व्यक्ति अपने सामाजिक और व्यावसायिक स्टेटस के जरिए धन कमा सकता है। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को प्रसिद्धि, सम्मान और पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन भी दिलाता है। जो धन कमाने में मददगार होता है। वेल्थ थ्रू गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, गवर्नमेंट सर्विस पे ज्यादा ऐसे लोग देखे गए हैं। लाइक वो पीछे अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था, उनका चार्ट लगाया था, कौन क्या नाम था उनका, क्या नेम था उनका, राघव जी राघव जी। अब 10th हाउस में जब सेकंड सीएसएल रहता है तो सेकंड हाउस पैसा है, मनी है। पैसा कहाँ से आएगा, 10th हाउस के जरिए आएगा, यानी कि गवर्नमेंट सर्विस पे। अथॉरिटेटिव अथॉरिटी को दर्शाता है ना 10th हाउस, तो 10th हाउस गवर्नमेंट और अथॉरिटी का घर है। वे अगर अगर सेकंड सीएसएल 10th हाउस में हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी और गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर ही एक तरह से, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अथॉरिटी रिलेटेड पोजीशन के जरिए धन कमाने का योग होता है। सरकारी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स या हाई रैंकिंग ऑफिशियल इस प्लेसमेंट से लाभ पा सकते हैं। बिजनेस एंड लीडरशिप रोल्स, बिजनेस एंड लीडरशिप रोल 10th हाउस लीडरशिप और मैनेजमेंट रोल्स का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अगर सेकंड सीएसएल यहाँ हो तो व्यक्ति को लीडरशिप पोजीशन, मैनेजमेंट रोल्स या अपने बिजनेस के जरिए अच्छा पैसा कमाने का योग मिलता है। व्यक्ति को अपने डिसीजन और प्रबंधन के माध्यम से धन में वृद्धि होती है। वेल्थ थ्रू पब्लिक एंड कॉरपोरेट सेक्टर, 10th हाउस पब्लिक लाइफ और कॉरपोरेट सेक्टर से भी संबंधित है। अगर सेकंड सीएसएल 10th हाउस में हो तो व्यक्ति को कॉरपोरेट दुनिया या पब्लिक सेक्टर जॉब्स जो रहती है या कॉरपोरेट डील्स के जरिए धन कमाने का योग मिलता है। सीईओ, किसी कंपनी के जो सीईओ होते हैं, सीईओ मैनेजर्स और कॉरपोरेट लीडर्स के लिए ये प्लेसमेंट धन और समृद्धि ला सकती है। किसी बड़ी फिर्म का जो सीईओ होता है उसका भी यही योग मिलता है। सेकंड हाउस का सीएसएल 10th में होता है उनका। सक्सेस थ्रू हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन, साथ के साथ में ये कर्म भी, आप अगर देखो यहीं से कर्म अलाइनमेंट थ्योरी निकल के आती है। 10th हाउस मेहनत, अनुशासन और ड्यूटी का घर है। इस प्लेसमेंट के साथ व्यक्ति को अपनी कैरियर जर्नी में कठिन मेहनत और लगन से सफलता मिलती है। यदि व्यक्ति डेडिकेटेड और डिसिप्लिन है तो अपने प्रोफेशन के माध्यम से धन कमाएगा ही कमाएगा और सफल भी होगा। अगर कहीं भी डिसिप्लिन रूल टूट गया तो वही हालत होगी जैसे पिछली आप देख रहे थे राघव की हुई है।
मैंने बताया था उनको भी ऐसा ही बोला था मैंने, क्योंकि अनुशासन 10th हाउस क्या है सर, अनुशासन का है। यहाँ अनुशासन से आप थोड़ा सा आप इधर उधर निकले तो आपकी नैया वहीं पे डूब जाएगी। मेहनती बनाता है, स्ट्रगल देता है, अपनी मेहनत से काफी हाइट्स लेता है बंदा अपनी लाइफ में। क्योंकि सेकंड हाउस का सीएसएल जब 10th में हो तो सेकंड हाउस फैमिली भी है और 10th में है। ऐसे व्यक्तियों की जो फैमिली है ना सर, ऐसे व्यक्तियों की जो फैमिली है वो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड होती है। उनकी फैमिली में सभी मेंबर बिजनेस ओरिएंटेड या गवर्नमेंट सर्विस पे या अथॉरिटेटिव नेचर के मिलेंगे आपको। वहां से डीएनए टेस्ट हो जाता है कि फैमिली भी कैसी है। सेकंड हाउस का सीएसएल साथ साथ में उस व्यक्ति की फैमिली को भी सिग्निफाई करता है। टेंथ हाउस व्यक्ति के काम के लिए मिलने वाले सम्मान और रिवार्ड का भी घर होता है। इसलिए अगर सेकंड सीएसएल यहाँ हो तो व्यक्ति को अपने काम के लिए सम्मान, प्रमोशन और फाइनेंशियल रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं। ये प्लेसमेंट व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में स्टेटस भी दिलवाएगी और धन भी दिलवाएगी। फोर्थ हाउस रियल एस्टेट का है, 10th हाउस कंस्ट्रक्शन का भी है। फोर्थ हाउस रियल एस्टेट से रिलेटेड है तो 10th हाउस कंस्ट्रक्शन का है। 10th हाउस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और रियल एस्टेट से भी संबंधित होता है। अगर सेकंड सीएसएल यहाँ हो तो व्यक्ति को रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग इंडस्ट्री के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट बेस से धन कमाने के योग मिलते हैं। अब फिर से आपको रिपीट अगेन मैं एग्जांपल दे दूं, लेकिन कर्म कहाँ पे खराब होता है, उसी अथॉरिटी को चूना लगा दे बंदा तो वहां डिसिप्लिन टूट जाता है बंदे का, रूल आउट पर्सन हो जाते हैं वो। क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो होंगे या बिल्डर्स होंगे उनको 10th हाउस सिग्निफाई करते हैं। या फिर जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो भी इसी हाउस से हम देखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या देखते हैं कि 11th हाउस, सेकंड हाउस का सीएसएल जब 11th में होगा तो ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हों लेकिन वो बंदा ना 5 रुपए खर्च न जाने। सबसे बड़ा कंजूस इंसान सेकंड हाउस सीएसएल इन 11th। ए सेकेंड हाउस सी एस एल प्लेस्ड इन 11th हाउस, देन 11th हाउस इज सोशल सर्कल और नेटवर्क का घर होता है। अगर सेकेंड सी एस एल यहाँ हो तो व्यक्ति को अपने दोस्तों, सोशल कनेक्शन या नेटवर्क के माध्यम से धन कमाने के योग बनते हैं। सोशल कनेक्शन